नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां पर आप लोग जानते ही हैं कि इस समय प्राची और रणबीर अपने फ्यूचर की प्लानिंग तो बना रहे हैं, लेकिन वो भूल चुके हैं कि इस समय रिया की एंट्री हो चुकी है। और रिया की एंट्री होने के बाद में सभी लोग बहुत ज्यादा आखिरकार दुखी हैं, क्योंकि दोस्तों रिया कभी भी शांत बैठने वालों में से नहीं है। और इस समय जो रिया की एंट्री हुई है वो इस समय किसी खतरे से खाली नहीं है, बल्कि खतरे की असली घंटी बजाती हुई नजर आ रही है। आप लोग जानते ही हैं कि रिया का कोई कसूर भी नहीं है, क्योंकि 6 साल से भी समय हो गया है रणवीर और प्राची को अलग हुए और रिया ने अब पूरा जिम्मा संभाल लिया है। लेकिन आखिरकार रणवीर अब अपने फैसले को बोलते हुए नजर आएगा कि आखिरकार मैं तो कुछ ऐसा करना ही नहीं चाहता, मैं प्राची को नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद में प्राची बोलती हुई नजर आने वाली है कि रणवीर अब मैं जब जा ही चुकी हूँ तो तुम रिया को ही एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो। लेकिन दोस्तों अभी भी आप लोग जानते हैं कि खुशी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं इस समय, और खुशी को पाने के लिए इस समय रणवीर बोलते हुए नजर आएंगे कि प्राची ये तुम्हारी और हमारी बेटी है, इसलिए हमें पास ही रहना होगा। लेकिन दोस्तों वहीं बात की जाए तो इस समय रणवीर भी दुखी हैं और प्राची भी, क्योंकि दोस्तों जहां कानूनी रूप से पहले भी रिया और रणवीर की शादी हुई है और प्राची सबसे पहले वाइफ है, तो आखिरकार सभी लोग आखिरकार सस्पेंस में हैं कि आखिरकार कब क्या और कैसे हो सकता है। आप लोग जानते ही हैं कि आने वाली कहानी में जो है वो और भी बहुत बड़ा तूफान देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लगातार इधर एंट्री होने जा रही है इस वक्त। और इस वक्त एंट्री जो होगी वो इसमें दिलचस्प नज़ारा, दिलचस्प ट्विस्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए, लव यू गाइज एंड लव यू ऑल ऑफ यू कि आपने मेरे को वाकई में इतना सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को वाकई में